स्विंग मिशन फीड मैकेनिज्म बारे पता करें, जैसे आप सिलेबस में कहाँ है आप लोग पता होना चाहिए ना। देन द थर्ड यूनिट में देखें, इधर फीड सिस्टम एंड प्रेशर फुट एंड थ्रोट प्लेट एंड फीड डॉग है, ओके, इसी में है हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ओके। देन अभी आप लोग क्या डाउट है वो बाद में मैं दे दूंगी, आपका क्लियर करूंगी। आपका कुछ डाउट है देन चैट बॉक्स में आप शेयर करो आपका ईमेल आईडी, एंड इसका नोट्स भी आप लोग का मिल जाएगा, डोंट वरी। और दबेसा मैडम भी शेयर करेगा, एंड कानपुर एनएसटी कानपुर बच्चों को मैं शेयर करूंगी। देन बाहर कोई लोग है एनएसटी दूसरा जहाँ से है बच्चों, उसका भी मैं शेयर करूंगी। आपका ईमेल आईडी मुझे शेयर कर दीजिए, ओके, चैट बॉक्स में शेयर कर दो, देन मैं भेज दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। पहले मैं फीड मैकेनिज्म बारे पता करें, फीड मैकेनिज्म मतलब क्या है। देन ऐसा ना नीडल एंड लूप, लूपर और बॉबिन, उसका मिला के कैसे स्टिच फॉर्मेशन हो रहा है, देन कैसे कपड़ा स्टिचिंग हो रहा है, वही है फीड मैकेनिज्म, ओके। दैट मोशन, ये मोशन चल रहा है ना, ये नीडल एक साइकिल ऐसा साइकिल जा रहा है, एक स्टिच फॉर्मेशन होगा उसका मोशन है, वही है फीड मैकेनिज्म। देन फीड मैकेनिज्म यूजेस क्या है, देख कपड़ा हैंडल करने के लिए जैसे कंट्रोल करना ना, वही है स्टिचिंग, उस कंटिन्यूस स्टिचिंग करने, स्टिचिंग करके छोड़ने नहीं, ये कंटिन्यूस स्टिचिंग कैसे होगा, वही है स्विंग मशीन फीडिंग सिस्टम का जरूरत, ओके। देन फीडिंग मैकेनिज्म में कंप्रेसिस ऑफ थ्री कॉम्पोनेंट, तीन कॉम्पोनेंट है वो मेन चीज है। वो पहले वाला प्रेशर फुट, प्रेशर फुट का नाम स्पेलिंग देखिए, ये प्रेशर फुट नहीं है, प्रेशर फुट एंड थ्रोट प्लेट एंड फीड डॉग, ये तीनों है मेन एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ फीड मैकेनिज्म है, तो ये तीनों है प्रेशर फुट थ्रोट प्लेट एंड फीड डॉग, ये तीनों मिला के है काम चलेगा। देन एक नहीं है कुछ नहीं होगा, एक छोड़ के दो है देन नहीं हो पाएगा काम, देन ये दो तीनों मिला के काम चलेगा, ओके, कितना क्लियर है। देन नेक्स्ट, देन ये फीड मैकेनिज्म कहाँ से है, प्रेशर फुट कहाँ है, थ्रोट प्लेट कहाँ है, फीड डॉग कहाँ है, देखो ऐसा हम लोग को पता है ये स्विंग मशीन है, ये स्विंग मशीन के ये नीचे वाला ना यही पार्ट है प्रेशर फुट, ऐसा शू टाइप है ये प्रेशर फुट है एंड ये नीडल प्लेट, देन ये कपड़ा इधर रखेगा, ओके, एंड ये वाला देखो तीन ये टीथ टाइप दिख रहा है ना, ये वाला फीड डॉग, ये तीनों 1 2 ये वाला थ्री मिला के ये फीड मैकेनिज्म चलेगा, ओके। हम लोग अभी अलग अलग पार्ट्स में शो कर रहे हैं, ये क्या है प्रेशर फुट, ये क्या प्रेशर फुट, प्रेशर फुट देखिए ये वाला शेप है ना, ऐसा शू टाइप शेप है, ये प्रेशर फुट है, एंड थ्रोट प्लेट एंड नीडल प्लेट, ये दोनों नाम है दोनों सेम ही है, देन थ्रोट प्लेट अलग है, नीडल प्लेट अलग नहीं है, दोनों मिला के दोनों सेम चीज है बट अलग अलग नाम है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। ये वाला देखिए, ये वाला नीडल प्लेट, देन एंड उसके बाद फीड डॉग, फीड डॉग मतलब ऐसा दिखा टीथ टाइप है ना, वही ये वाला अलग से अटा के ये वाला यूज कर सकता, उसी में अटैच करेगा, राइट, वही है ये फीड डॉग। अभी पता चले कि प्रेशर फुट क्या है, थ्रोट प्लेट क्या है एंड फीड डॉग, एंड प्रेशर फुट के बारे हम लोग पता कर रहे हैं, क्या है प्रेशर फुट, कैसे काम चल रहा है, वही ओके। प्रेशर अपर कॉम्पोनेंट ऑफ ए फीड सिस्टम दैट ग्रिप द फैब्रिक ड्यूरिंग द फीडिंग एक्शन एंड स्टिच फॉर्मेशन, ऐसा ना अपर ये कपड़ा पकड़ने के लिए ग्रिप कैसे मिलेगा, ये प्रेशर फुट के वजह से मिलेगा, देन ये फीड करने के लिए कंटिन्यू स्टिच इसके वजह से चल रहा है, ओके, वही है प्रेशर फुट का काम कैसे है, वही है, ओके। एंड फिट ऑन द प्रेशर बार, ये कहाँ फिट होगा, ये प्रेशर फुट, ये प्रेशर बार है ना, देन ऊपर से हम लोग टाइट भी कर सकता लूज भी कर सकते, ये कपड़ा का मोटा पतला की वजह से ये वाला काम चलेगा, ओके। कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ अप्लाइड प्रेशर प्रेशर अप्लाइड ऑन द फैब्रिक, ये फैब्रिक कितना प्रेशर अप्लाई करना, ये प्रेशर बार, देन प्रेशर बार में हम लोग फिटिंग कर रहे हैं प्रेशर फुट, देन उसी के ऊपर से हम लोग स्क्रू करेगा, वो ऊपर थोड़ा टाइट भी कर सकता लूज भी कर सकता, ओके। हायर स्विंग मशीन स्पीड में रिक्वायर मोर प्रेशर टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द फैब्रिक, ऐसा हायर स्पीड है बहुत तेज चल रहा है, देन ऐसा प्रेशर ये वाला प्रेशर एक कंट्रोल कर रहा है कपड़ा, ओके। द वेरिएशन इन द बेसिक प्रेशर फुट टेक प्लेस इन द शू कॉम्पोनेंट, ऐसा ना इसी में प्रेशर फुट में बहुत ज्यादा शू है ना, ऐसा शू टाइप है ना, उसी में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, उसकी वजह से अलग अलग स्विंग मशीन में प्रयोग करते हैं,
एंड उसमें शू में भी क्या क्या पार्ट्स है वो वाला, विच इन्वॉल्व्स द टो सोल एंड हील, ये तीन पार्ट्स है मेन पार्ट्स, वो क्या क्या महसूस कर। देखिए ये वाला देखो, ये पहले पार्ट, ये पार्ट्स है, पार्ट्स अलग अलग, हम लोग सोचे ये वाला मंडली प्रसिद्ध है बट इसी का भी पार्ट्स है। देन ये वाला पहले वाला ये शैंक इधर है ना, ये वाला प्रेशर फुट बार में अटैचिंग हो रहा है, देन ओनली ये वाला पकड़ेगा मशीन में, वो वाला स्क्रू करके टाइट करेगा, देन ये वाला वो होल्ड हो जाएगा। देन पहले इसी में पहले पार्ट्स है ना, ए टो द फ्रंट पोर्शन ऑफ द शू दैट इज अकाउंटेबल फॉर गाइडिंग होल्डिंग एंड पोजिशनिंग ऑन शू फैब्रिक, ऐसा ना ये होल्ड करेगा कपड़ा का, ये स्टिच नहीं होगा बट वो वाला स्टिच नहीं होना कपड़े में, पहले वो वाला पकड़ेगा। एंड सोल, ये वाला ना सोल है, द फ्लैट एरिया दैट इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द फैब्रिक विच कुड बी मेड स्मूथ, इसी में क्या है स्मूथ भी होगा एंड थोड़ा ये वाला थोड़ा टूथ भी, ऐसा अलग अलग में मशीन में अलग अलग टाइप्स में भी मिलता है। देन ये वाला स्मूथ इधर है कपड़ा, इधर से नीडल आएगा ना, इधर से स्टिच होगा, देन ये वाला बहुत अच्छा सा कपड़ा का कॉन्टेक्ट इसी में मिलेगा। एंड हील द बैक पार्ट ऑफ द शू, ऐसा ना हील है ये वाला, बैक पार्ट ऑफ द शू दैट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग फैब्रिक एंड रिटेनिंग इट्स एस्टैब्लिश पोजिशन फॉर द फीडिंग एंड स्टिचिंग एक्शन टू टेक प्लेस, ऐसा ना ये मेन ये क्या है स्टिचिंग होने के बाद वो वाला कपड़ा पकड़ने के लिए ये वाला उपयोग हो रहा है, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके ये वाला विदाउट ये वाला होल्डिंग करेगा बट स्टिचिंग नहीं होगा, दैट इधर स्टिचिंग होगा एंड स्टिचिंग होने के बाद ये वाला हेल्प करेगा स्टिचिंग कपड़ा का। ओके इसी में मैं अभी थोड़ा शो कर रहा हूँ और अलग अलग ये वाला शू ओनली शू पार्ट्स चेंज हो रहे हैं, अलग अलग प्रयोग हो रहे मशीन में। देखिए ये वाला स्ट्रेट, अभी सिंगल एंड लॉक स्टिच मशीन है ना, ये वाला स्ट्रेट प्रेशर फुट, देन ये वाला क्या है जिगजैग, आप लोग देख सकते हैं ये वाला जिगजैग ओनली इसी में चेंज हो रहा है ना, इसमें अलग अलग डिजाइन। देख ये वाला जिपर प्रेशर फुट है एंड ये वाला बटन होल प्रेशर फुट है एंड ये वाला बटन अटैचिंग, जस्ट आपका इंफॉर्मेशन के लिए ये मैं शो कर रहा हूँ। ओके एंड इसके बाद ये वाला अप्लीक वर्क के लिए ये वाला यूज हो रहा है, ये वाला सब लोग को मिल जाएगा, नोट्स में भेज दूंगी डोंट वरी। एंड पाइपिंग, पाइपिंग अटैच करने के लिए ये वाला यूज हो रहा है। देन हैंड रोल्ड हेम, ये सब हेमिंग, हेमिंग है ना तो छोटा सा हेमिंग 1/8-1/4 इंच हेमिंग के लिए ये वाला स्टिचिंग होने के लिए इसी में रोल होके स्टिच हो जाएगा। देन ये कॉर्डिंग, ऐसा कपड़ा में ऐसा धागा मोटा धागा कपड़ा के अंदर बीच में डाल के स्टिच करेगा ना, उसकी वजह से ये वाला कॉर्डिंग के लिए प्रेशर फुट है। एंड ये ब्लाइंड स्टिच के लिए, ब्लाइंड हेमिंग कर रहा ना मशीन में ब्लाइंड हेमिंग, उसी का प्रेशर फुट। एंड क्विल्टिंग के लिए ये प्रेशर फुट। एंड पिंटक, देखो पिंटक हम लोग पकड़ना नहीं, ऐसा इसी में रख दो ये वाला ऑटोमेटिक वाला आ जाओ, देखो इधर स्टिचिंग हो रहा है पिंटक इधर नहीं है, इसके बाद अंदर जाने के बाद वो वाला ट्विस्ट वो फोल्ड करके वो स्टिचिंग हो जाए पिंटक, छोटा छोटा पिंटक है ना, वैसे 1/16 और 1/8 पिंटक के लिए ये वाला प्रेशर फुट। एंड ये डार्निंग के लिए एंड गैदरिंग्स, इसी का मैं यूट्यूब लिंक भी दे रहा है, ये वाला ओपन करके आप देखिए, अभी टाइम नहीं है मेरे पास एंड उसके वजह से मैं नहीं ओपन नहीं कर रहा। देन ये वाला प्लीटिंग कैसे हो रहा है ये वाला ओपन करके देखो, आराम से अच्छा सा बढ़िया प्लीटिंग मिल जाएगा, इसी गैदरिंग एंड रफलिंग मिल जाएगा। एंड इनविजिबल जिपर अटैचिंग, जैसे इनविजिबल जिपर है ना स्कर्ट सेंटर बैक स्कर्ट में यूज होगा एंड ब्लाउज में यूज होगा ना वही। एंड टेफ्लॉन, टेफ्लॉन मतलब ऐसा प्लास्टिक टाइप, ये वाला प्रेशर फुट कहाँ यूज होगा, ऐसा कोटेड फैब्रिक है, ऐसा थोड़ा चिपकाना फैब्रिक है, देन उसी के ऊपर आप लोग मेटल प्रेशर फुट यूज करना, वो चिपकाएगा स्टिचिंग अच्छा नहीं आएगा, देन उस समय में ये वाला टेफ्लॉन यूज करेगा आराम से स्टिचिंग हो सकता। ओके क्लियर, सब नोट्स मिल जाएगा आपको। ओके थ्रोट प्लेट एंड नीडल प्लेट, ये नीडल प्लेट भी बोल सकता है, थ्रोट प्लेट भी बोल सकता है। द थ्रोट प्लेट्स आर रिमूवेबल प्लेट्स सिक्योर टू एन अडैप्टर प्लेट डायरेक्टली अंडर द नीडल, ऐसा ना नीडल के नीचे ये वाला फिक्स हो जाएगा, ये दोनों स्क्रू डाल के ये वाला हो जाएगा। The throat plate keeps the fabric panel stitch penetrate to form the stitch. ऐसा ना ऐसा इधर है ये नीडल इसी में पेनेट्रेट होगा अंदर जाएगा, देन उसकी वजह से हम लोग स्टिचिंग कर रहे हैं। ओके
देन ये वाला थ्रोट प्लेट है ना छोटा, ये वाला इधर जहाँ क्या है, फीड डॉग आने के लिए है। ये वाला देखो मेजरमेंट, हम लोग स्टिच करने के लिए गाइडलाइंस के लिए ये वाला है। द थ्रोट प्लेट हैव ओपन फॉर नीडल टू पास थ्रू एंड फॉर द फीड डॉग टू कम अप, ऐसा ना। नीडल अंदर बाहर जाने के लिए ये वाला नीडल होल है, ये वाला फीड डॉग अंदर बाहर आने के लिए, फीड डॉग के लिए ये वाला जहाँ है। द नीडल होल शुड बी only about 30% larger than the size of the needle. ये needle हम लोग के पास है ना, उसी का 30% ज्यादा होल होना चाहिए। देन 30% नीचे है देन क्या हो जाएगा, needle और thread कट हो जाएगा। और needle होल, ये वाला होल थोड़ा बड़ा है देन कपड़ा अंदर फंस जाएगा, देन स्टिचिंग फॉर्मेशन नहीं होगा। देन इसका परसेंटेज ओनली 30% लार्ज होना चाहिए। ऐसा वन मार्क में आ सकता, थोड़ा नोट करके रख दो। एंड फीड डॉग, देन फीड डॉग इधर, द मेन एलिमेंट इन अ फीड डॉग फीडिंग सिस्टम इज द फीड डॉग। फीडिंग सिस्टम मेन एलिमेंट है, यही है फीड डॉग। इट ट्रांसपोर्ट द फैब्रिक, ये वाला कपड़ा इधर से उधर जाने के लिए हेल्प करता है। ओके, इधर से उधर, एक जहां से दूसरा जहां जाने के लिए ये वाला बहुत यही हेल्प करता है। ओके, as a set of feed dog which looks like a shot, is a chota thin plate and or cross cut with grooves, is a cross cut hai na grooves aisa type wahi hai aisa shape aisa hoga, and move two and four aisa na idhar se udhar udhar se idhar, ye back ta karega piche se front mein aayega na aisa hai wahi hai, idhar two and four matlab aisa idhar se idhar aisa two and four aisa आगे जाएगा। थ्रोट प्लेट थॉट इज मार्जिनली बिगर देन द फीड डॉग, थ्रोट ए वाला है ना फीड डॉग, ये थ्रोट प्लेट्स, ये थ्रोट प्लेट थोड़ा मार्जिनली थोड़ा बड़ा होगा, देन ओनली आने जाने में मूवमेंट इजी हो जाएगा। द टिपिकल फोर मोशन परफॉर्म्ड बाय द फीड डॉग, ऐसा ना एक कैसे काम चल रहा, देन कैसे कपड़ा मूव हो रहा है, हम लोग पता होना चाहिए ना। पहले क्या होगा, बैकवर्ड डाउनवर्ड, बैक पीछे जाएगा नीचे आएगा, एंड फॉरवर्ड सामने आएगा एंड ऊपर, ऐसा है। इसे फोर टाइप ऑफ मोशंस है, पीछे नीचे सामने एंड ऊपर, ऐसा है। ऐसा सर्कुलर टाइप, ऐसे एलिप्टिकल टाइप ऐसा मोशन है उसका। उसके बाद ये वाला कंटिन्यू अच्छा सा स्टिचिंग हो जाए। ओके, देन अभी क्या है, टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, फीड मैकेनिज्म क्या क्या टाइप्स है अभी हम लोग पता चलेगा। फीड मैकेनिज्म मतलब क्या है एंड उसी का एलिमेंट क्या है, कैसे फीडिंग चल रहा है। देन अभी हम लोग पता होना चाहिए मैनुअल फीड, ड्रॉप फीड एंड डिफरेंशियल फीड एंड नीडल फीड और कॉमन, दोनों सेम है, एंड यूनिसन फीड एंड पुलर रोलर फीड और कप फीड एंड फिक्स्ड, ऐसा ये वाला बहुत हम लोग क्या क्या प्रयोग करते हैं उसी में, क्या क्या फीड मैकेनिज्म उसके लिए ये वाला चीज में मेनली फोकस किया। बहुत ज्यादा फीड मैकेनिज्म बट वो वाला हम लोग नहीं चाहिए, बट ये वाला बेसिक है, बट ये वाला पता होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। ओके, देन पहले मैनुअल फीड, इट इज आल्सो नोन एज फ्री मोशन और डार्निंग फीड, ऐसा ना ये वाला डार्निंग करेगा ना, ये कपड़ा फट गई उसका डार्निंग करेगा, उसी के लिए ये वाला फीड मैकेनिज्म यूज हो रहा है, मैनुअल फीड इसका नाम है। ओके, देन इसमें क्या है, ये वाला कैसे काम चलेगा, ऐसा नीडल नीचे आ रहा है ना उस समय में ये वाला प्रेशर फुट पकड़ेगा कपड़ा, ये नीडल अंदर जा रहा है ना उस समय में प्रेशर फुट पकड़ेगा, एंड नीडल ऊपर आने के बाद हम लोग क्या करना, ये कपड़ा इधर उधर करना, ऐसा एम्ब्रॉयडरी में कर रहा ना ऐसा है, ऐसा करना है। देन वो वाला छोड़ेगा, देन नीडल अभी अंदर आने समय प्रेशर फुट पकड़ेगा एंड ऊपर जाने में प्रेशर फुट हटा जाएगा। देन हम लोग क्या करना, इधर उधर ऐसा ऐसा करके वो वाला डार्निंग करेगा। ओके, ये वाला ऐसा पैर ऑफ वही है। इन दिस काइंड ऑफ फीडिंग मैकेनिज्म द ऑपरेटर मूव्स वर्क अंडर द नील, ऐसा ऑपरेटर मूव करना है, देन ये फ्रेम में कपड़ा बांध के एंड उसके बाद हम लोग ऐसा ऐसा काम करेगा, वही है मैनुअल फीड, हम लोग खुद करने पड़ेगा। ओके, द स्विंग मशीन एज एन अपग्रेड मोशन प्रेशर फुट विच ग्रिप्स द फैब्रिक प्योर टू द entrance of the needle into the fabric and release the permit the worker to handle fabric between each stitch. Wait, then ये वाला needle अंदर जाएगा उस समय में pressure foot पकड़ेगा and उसके बाद बाहर आने समय pressure हटा देगा, then उस समय हम लोग
दूसरा जहां शिफ्ट करने पड़ेगा, देन इधर उधर हम लोग डार्निंग करने में यूज हो जाएगा। दिस फीडिंग सिस्टम इज कॉमनली यूटिलाइज फॉर डार्निंग के लिए एंड एम्ब्रॉयडरी भी ऐसा करेगा एंड फिर कुल्टिंग कर रहा ना ऐसा डायमंड टाइप स्क्वायर टाइप ऐसा कुल्टिंग करेगा उसी का ए वाला मैनुअल फीड प्रयोग होगा। ओके नेक्स्ट ड्रॉप फीड ऐसा इट इज कॉमनली ऐसा ड्रॉप फीड है ऐसा सिंगल एंड लॉक स्टिच हम लोग प्रयोग कर रहा ना घर में भी है ऑफिस क्लास में भी हम लोग यूज कर रहे ना वही ड्रॉप फीड सिस्टम वही है। ओके इट इज कॉमनली फाउंड इन डोमेस्टिक स्विंग मशीन एंड मेजोरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन इसे सिंगल लिटल लॉक स्टिच में कैसे काम करता है वही है। इट इज ऑल्सो नोन एज रेगुलर फीड द थ्री स्विंग मशीन पार्ट्स विच टूगेदर कंस्टिट्यूट द ड्रॉप फीड मैकेनिज्म। इसी में कैसे होगा इसी में क्या है प्रेशर फुट एंड थ्रोट प्लेट एंड फीड डॉग ये तीनों मिला के काम चलता है ना वही है ड्रॉप फीड। इस एग्जाम्पल है सिंगल लिटल लॉक स्टिच मशीन। एंड नेक्स्ट डिफरेंशियल फीड इसी में डिफरेंशियल फीड मतलब ऐसा ना इसी में क्या है दो फीड डॉग होगा इसके नीचे दोनों में सेम फीड में भी जाएगा समटाइम ये वाला कम ज्यादा कम ऐसा जाएगा। इसी में क्या है हम लोग इधर बैठेगा ना स्टिचिंग समय में ये वाला ये टो है देन इधर से फ्रंट फीड डॉग बोलेगा ये सब फ्रंट फीड डॉग है ये रियर फीड डॉग है। इसी में क्या है ये मोशन ये वाला थोड़ा स्पीड कम चलेगा ये ज्यादा चलेगा देन उस समय क्या हो जाएगा कपड़ा खींचेगा बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा देन उस समय ये वाला इसी को किसी को यूज करेगा ये इलास्टिक अटैचिंग अटैचमेंट में ऐसा करेगा देन ये वाला इजी हम लोग का इलास्टिक स्टिच भी हो जाएगा स्टिच भी हो जाएगा वही ए वाला है। देन नेक्स्ट वन फ्रंट फीड डॉग एंड बैक फीड डॉग इसी में समझ में कर दो ये वाला दो फीड डॉग होगा एक नहीं है दो पीस एक इधर देन इसी में क्या ये वाला अलग स्पीड है ये अलग स्पीड है ये ज्यादा स्पीड है फ्रंट का एंड ये वाला कम स्पीड है देन ये वाला इसमें क्या होगा ये ज्यादा स्पीड जा रहा है ये कम स्पीड ये वाला क्या हो जाएगा गैदरिंग के लिए ये वाला सब यूज हो जाएगा गैदरिंग और शेयरिंग करने के लिए ये वाला मैकेनिज्म यूज हो जाएगा। एंड दूसरा है यूजुअली ये वाला सिस्टम दो फीड डॉग ओवरलॉक मशीन में है। ओके वो वाला सेम मोशन में हो जाएगा देन ओनली हम लोग स्टिचिंग कर रहे हैं। ओके ये ही है ए डिफरेंशियल फीड यूटिलाइज ए टू पीस फीड डॉग लोकेटेड अंडर बीनीथ लोकेटेड बीनीथ द थ्रोट प्लेट ये कहाँ फिट होगा दो ये थ्रोट प्लेट के नीचे फिट हो रहा है बोल रहे वाला दैट फ्रंट एंड रियर फीड डॉग कुड बी फिक्स्ड टू मूव एट द सेम टाइम ये दोनों सेम टाइम में जा सकता और डिफरेंट स्पीड डिस्टेंस ये डिफरेंट स्पीड में भी जा सकता। देन रियर फीड इज मूविंग फास्टर रेट कंपेयर टू द फ्रंट द फैब्रिक विल बी स्ट्रेच ए वाला। ओके एंड फ्रंट फीड डॉग इज मूविंग फास्टर देन द रियर फीड डॉग द फैब्रिक इज गैदर ए वाला। ओके एग्जाम्पल ओवरलॉक मशीन ये ओवरलॉक मशीन में दोनों में सेम फीड में जाएगा। ओके नेक्स्ट ए नीडल फीड एंड कॉम्बोड फीड द नीडल फीड में देखिए ये वाला आप लोग नहीं देख पाएगा कैसे है मैं बोल रहा हूँ ध्यान से शो सुनिए। द नीडल फीड इज द नेम गिवन टू द नीडल फीड सिस्टम इन विच द नीडल इन इटसेल्फ मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अलॉन्ग विद द फीड ऐसा ना नीडल इधर उधर पीछे जाएगा आगे जाएगा ऐसा देखिए ऐसा YouTube लिंक में शो कर रहा है कैसे है। ओके एंड इसे बल्क कपड़ा के लिए ये वाला प्रयोग होगा देखिए ये वाला देखो ये जंप नहीं हो रहा है देखो ये वाला काम नहीं कर रहा है देखो ये वाला फ्रंट में आ
विजिबल हो रहा आप लोगों का? देखो ऐसा चल रहा है। नहीं मैम, विजिबल नहीं हो पा रहा है। अगर आप यूट्यूब दिखाना चाह रहे हैं तो यूट्यूब को आपको चेंज करना पड़ेगा स्क्रीन। इट्स विजिबल, इट्स नॉट विजिबल मैम। ओके आई नीड टू शेयर इट। शोइंग अ यूट्यूब क्लिप, इट्स नॉट विजिबल। एक मिनट, विजिबल नहीं हो पा रहा है, थोड़ा वेट करिए, वाला आ जाएगा। How to make it visible, sir? You want to show the YouTube clip, ma'am? Okay. You click on the YouTube clip. The YouTube will open, and just change your screen to YouTube. It's not showing. आपके लैपटॉप पे यूट्यूब दिख रहा है? Is it showing? Okay. Then you need to just share the screen again, ma'am. Just stop the share and again you can. It's not showing, sir. Actually, it's not showing. So I'll stop it. I'll show. YouTube भी नहीं दिखा रहा है आपको? Okay, I'll go for the next slide. आप लोग ये वाला ना, sir, you can connect me. Okay. आप लोग ये वाला अभी YouTube ऐसी में नहीं शो नहीं हो पा रहा आप लोगों का, then आप लोग बाद में ये वाला देखे, ये वाला क्या होगा, ये वाला ऐसा मूविंग होगा, ओके, इधर उधर मूविंग होगा। एंड ओनली ये वाला स्टिचिंग ऐसे में नीडल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अलॉन्ग विद द फीट ऑफ कैसे जा रहा है ये भी इधर उधर जाएगा। देन आप लोग ये वाला लिंक आप ओपन करिए, मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ बट नहीं हो पा रहा। ओके, इट इज यूजफुल इन बल्की स्विंग मशीन, स्विंग एंड क्विल्टिंग बैंडिंग। ऐसा ना बल्क थोड़ा मोटा कपड़ा के लिए ये वाला यूज हो रहा है। एग्जैक्ट सिंक्रोनाइज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द नीडल एंड ड्रॉप फीड इज नीडेड। ऐसा ना इधर सेम ये नीडल भी एंड फीट ऑफ भी सेम पोजिशन में सेम स्पीड में जाना है, देन ओनली ये वाला काम चलेगा। ओके, यूनिसन फीड, देन यूनिसन फीड में क्या है, ये नीडल नीडल इसी में क्या देखो दो है, दो फीड है इसी में, इसी में दो प्रेशर फुट है, इसी में देखो नीडल है, देन ये प्रेशर फुट, एक प्रेशर फुट है, दो प्रेशर फुट है, इसी का प्रेशर फुट का नाम फीडिंग 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 फीट है एंड इज अ होल्डिंग फीट है। देन इसी में क्या है, ये दोनों सेम वॉकिंग करेगा, ऐसा वॉकिंग फुट बोलेगा, ये दोनों ऐसा जंप करेगा, ऐसा जंप जंप करके स्टिचिंग हो जाएगा। देन ये वाला अलग स्पीड में जाएगा, ये वाला अलग स्पीड में जाएगा, ये दोनों सेम नहीं होगा, अलग अलग ये कपड़ा से पकड़ के काम करेगा। ओके, इट इज अ वॉकिंग फुट सिस्टम बिकॉज द प्रेशर फुट हैज टू इंडिपेंडेंटली ड्राइवन सेक्शन, इट हैज टू पार्ट प्रेशर फुट, ऐसा दो प्रेशर फुट है, ए फीडिंग फुट है एंड होल्डिंग फुट। ओके, द इनसाइड इनसाइड प्रेशर फुट एंड नीडल आर ड्राइव एट द सेम टाइम टुगेदर सेम डायरेक्शन, ये दोनों क्या होगा सेम समय में काम करेगा, बट ये वाला अलग टाइमिंग होगा। In this system, one pressure foot is inside, एक pressure foot अंदर है, another pressure foot give movement to the different times, ऐसा ये वाला अलग time में काम करेगा, ये दोनों same walking करेगा, ये वाला अलग करेगा, ये blue, ये वाला link में दे रहा है, ये वाला open करके देखिए आपको clear clear हो जाएगा। okay, no possibility of fly shifting, ये वाला fly shift ने fly कपड़ा कितना मोटा इधर उधर नहीं हो पाएगा, same जहां में बैठेगा अच्छे से stitching हो जाएगा। Suitable for swing stitch fabric for bulk seam in heavy weight. ऐसा heavy weight fabric के लिए ये वाला unison feed प्रयोग करता है। And unison feed का ऐसा देखे ये वाला needle है, ये वाला अंदर वाला ना feeding feet है, ये holding feet है। देखो ऐसा needle है, feeding feet है, holding feet है and कपड़ा है and उसके बाद feed dog ऐसा type. And this one is puller and roller feed.
ये सब कूलर, इसी में मैकेनिज्म मैं बोल रहा है ऐसा ना, देखिए ये वाला कूलर है ना, यही है ये प्रेशर फूड, इसके पीछे होगा ये कूलर, उसी में क्या होगा, ये कूलर ये मशीन के हिसाब से ड्राइव करेगा, ओके देन ये कपड़ा इधर से आ रहा है ना, देन ये वाला फीड डॉग कितना तेज चल रहा है उसके ज्यादा ये वाला तेज जाएगा, देन उसी की वजह से ये वाला भी जाएगा, इसी का अलग ड्राइवर नहीं है, मशीन के हिसाब से नहीं जा रहा, देन इसी के हिसाब से ये वाला नीचे जा रहा है, ये दो है, देन ये सब कपड़ा इधर से जा रहा है ना, ये वाला पुल करेगा, पुल करके ये वाला कहाँ प्रयोग करता है, ये वाला मल्टी नीडल, बहुत ज्यादा नीडल है ना, ऐसा पिनटक्स है, प्लीट है, देन वो वाला उसी में क्या होगा, चेन स्टिच प्रयोग, चेन स्टिच है, देन चेन स्टिच क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा नीडल है, देन कपड़ा स्टिच होने के बाद लूज होने के लिए बहुत ज्यादा चांसेस है, उस समय क्या होगा, ये वाला पुल करेगा पीछे, देन ये वाला पुल करने के बाद आराम से स्टिच करके पुल करेगा, देन हम लोग का अच्छा सा परफेक्ट फिनिश मिल जाएगा, उसके लिए ये पुलर रोलर फीड है, दिस फीड रोलर प्रोवाइडेड ड्रैगिंग मोशन, ड्रैग पुल करेगा, खींचेगा ऑन द फैब्रिक बिहाइंड द फुट, ये फुट है ना इसके पीछे, बिहाइंड द पीछे, द टॉप रोलर इज नॉर्मली ड्रिवन बाय मशीन, ये वाला दो रोलर है ना, ये टॉप रोलर ये मशीन के हिसाब से काम करे, द रोलर द लोअर रोलर मूव्स टुवर्ड्स द प्रेशर ऑफ द टॉप रोलर, ये टॉप रोलर कितना प्रेशर तेज चल रहा है ना उसके हिसाब से ये वाला भी नीचे वाला भी जाएगा, ओके द फैब्रिक पासिस बिटवीन, ऐसा कपड़ा इसी के बीच में जाएगा, कहाँ बीच में जाएगा, ये प्रेशर फुट है एंड कपड़ा है एंड बेड है एंड उसके बाद ये रोलर, ऊपर रोलर है नीचे रोलर, उसके बीच में जाएगा कपड़ा, ओके वही है, द सरफेस स्पीड ऑफ द कूलर रोलर इज स्लाइटली हायर देन द स्पीड ऑफ द फीड डॉग टू प्रेशर फ्लाइव शिफ्टिंग रोपिंग, ऐसा ना ये प्रेशर इधर होगा ना, ये फीड डॉग इधर चलेगा, ये फीड डॉग कितना तेज है उसके ज्यादा स्पीड ये वाला रोलर जाएगा, देन ओनली हम लोग का कपड़ा कुछ इधर उधर नहीं होगा, ओके वो वाला थिक मोटा कपड़ा है एंड स्टिचिंग ज्यादा नीडल है, ये फीड ऑफ आर्म है, लैप्ड सीम है, उस समय वो वाला अच्छा सा खींचेगा, देन ये वाला चेन स्टिच में प्रॉब्लम नहीं होगा, रोपिंग नहीं आएगा, अच्छा सा फिनिश मिल जाएगा, उसके लिए ये वाला रोलर पुलर रोलर फीड प्रयोग करते हैं, उसका दो नाम है, रोलर भी बोल पुलर भी बोल सकता है, रोलर भी बोल सकता है, इट इज यूजफुल इन मल्टी नीडल मशीन पर्टिकुलर फॉर अटैचिंग द वेस्ट बैंड, वेस्ट बैंड कहाँ यूज होगा, पैंट में यूजली यूज होगा, उसका मल्टी नीडल स्टिच प्रयोग करेगा, उस समय ये वाला इजी स्टिचिंग हो जाएगा, देन देखिए ऐसा यूट्यूब है, यूट्यूब लिंक है वीडियो, वो वाला देखिए आपका क्लियर हो जाएगा, ओके देन व्हील फीड, ये वाला व्हील फीड देखो ऐसा, इसका प्रेशर देखिए ऐसा है, व्हील टाइप है, देन ये वाला कहाँ प्रयोग करता है ना, ये सब स्पोर्ट्स शूज है, बैग्स है, चिल्ड्रंस शूज है, बूट्स, उसकी वजह से ये वाला यूज होगा, व्हील फीड देखिए ऐसा व्हील है ना, द व्हील टाइप शेप भी व्हील टाइप है, व्हील फीड feed mechanism uses a roller that moves the fabric one stitch at a time in a ratcheting motion. Aisa na, ek motion mein ek stitch hoga. Then ek wala ek same position mein motion mein jayega. Ye ek same motion mein jayega, ye circular. Okay. In this kind of feeding, the feed has small roller to enable easy movement of the fabric. Aisa dekhe, idhar ek small roller hai. Then ye kapda jane mein ye use ho jayega. The material speed between the needle, ये दोनों के बीच में, needle के बीच में कपड़ा नहीं, इसी में leather usually use होगा, ये post bed है, okay, then applicable to all types of sports shoes, children's shoes and boots and other footwear and handbag sewing, उसके लिए ये वाला प्रयोग करते हैं, हम लोग actually कपड़ा के लिए ये वाला इतना काम नहीं करेगा, ये वाला only leather material के लिए, shoes है उसके लिए ये वाला लिंक है नीचे यूट्यूब में देखो, ओके देन कप फीड, दिस टाइप ऑफ फीड यूज्ड ऑन मशीन्स वेयर द नीडल ऑपरेट्स इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ऐसा हॉरिजॉन्टल, एक्चुअली नीडल हम लोग का वर्टिकल होगा, ओके लॉक स्टिच मशीन, बट इसी में क्या है हॉरिजॉन्टल, ऐसा
ऐसा है, इस ये दो कप है ना, ये दोनों के बीच में कपड़ा जाएगा, देन उसी में स्टिचिंग हो जाएगा, ये फर कपड़ा ऐसा ना, फर मतलब ऐसा शिप का, शीप हिंदी में बताना है क्या नाम, बकरी, बकरी है ना ऐसा, फॉरेन में होगा शीप, उसी का स्किन है, उसी का स्टिच करने के लिए फर टाइप फर है ना ऐसा, बहुत ज्यादा ऐसा फुल फुल टाइप ऐसा होगा वो वाला कपड़ा के लिए ये वाला स्टिचिंग हो जाएगा, इसी में अच्छा सा इधर बीच में जाएगा देन इसी में स्टिचिंग हो जाएगा। देन ये वाला यूट्यूब लिंक में देखे, मैं लास्ट स्लाइड में शो कर रहा हूँ, तो ओपन होगा मैं शो कर दूंगी सब यूट्यूब लिंक्स क्या क्या है। दिस मशीन द फीडिंग इज अकम्प्लिश इधर बाय पासिंग द मटेरियल बिटवीन द एज ऑफ द टू रोटेटिंग डिस्क, दो रोटेटिंग डिस्क, देखिए ये वाला डिस्क टाइप है ना, ये कप टाइप, समटाइम्स ये कप टाइप भी बोल सकता, ओके, इसी के बीच में कपड़ा जाएगा एंड स्टिच हो जाएगा, पासिंग द मटेरियल बिटवीन वन डिस्क और अ प्रेशर सरफेस। दिस मशीन यूज्ड टू स्टिच मीडियम टू हेवी हेवी वेट फर एंड शिप स्किन, इसी का मशीन का यूज क्या है, बहुत मोटा और मीडियम फर, फर कपड़ा, फर ऐसा ऑलरेडी मैं बोल दिया ना, ये शिप का स्किन, उसी का रेशे, उसी का कपड़ा ये वाला स्टिच हो सकता, ऐसा हम लोग हुलन यूज कर रहे हैं ना, हुलन इसी में विंटर सीजन में यूज को प्रयोग करो ना, ऐसा फुल फुल टाइप वो वाला ऐसा फर टाइप, उसी में इसी इसी का स्टिच हो सकता है ये वाला मशीन। एंड फिक्स्ड फीट, फिक्स्ड फीट क्या, दिस इज अ फीड मैकेनिज्म टू फिक्स्ड मटेरियल इन अ फिक्स्ड स्टेट बाय होल्डिंग मटेरियल बिटवीन लोअर प्लेट एंड अपर प्लेट, ऐसा फिक्स्ड फीड मतलब क्या है, ऐसा पकड़ के स्टिच करेगा, एक एक फिक्स, ऐसा एक टाइम में आप लोग स्टिच मशीन में प्रेस कर रहे हैं देन वो वाला स्टिच करके फिनिश करेगा। देन वो वाला क्या क्या है, बटन होल मशीन है, बटन अटैचिंग मशीन है, बार टैग मशीन है, वो वाला फिक्स्ड मैकेनिज्म है, फीड मैकेनिज्म, ओके, वही है फिक्स्ड, ये वाला कपड़ा ऊपर से नीचे होल्ड करके ये वाला स्टिच हो जाएगा। ऐसा इसी में है, एक मिनट मैं कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को यूट्यूब ओपन करने के लिए, ओके ओके देखिए वेट करो, इट विल विजिबल। देखिए आप लोग देख सकता, एक कप टाइप है ना, देखिए ये वाला हॉरिजॉन्टल नीडल है, देन इसी के बीच में कपड़ा जाएगा, थोड़ा स्लो नेट कनेक्शन थोड़ा स्लो लग रहा है उसके वजह से, देखिए ये वाला फर है, दोनों जॉइन करने के लिए कैसे जॉइन कर, देखिए देखो ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल टाइप, देखिए ऐसा एक कप फीड है, देखिए
हम लोग सोच सकता है वही हम लोग क्यों वो लोग मिशन में नहीं नहीं कर कर सकता, ये वाला वो लोग मिशन में नहीं कर सकता ना, बट देखो ये वाला ओवरलॉक मशीन में आप लोग करेगा ये फ्लैट आ जाएगा, ऐसा सीम टाइप आ जाएगा, बट इसी में वो लोग फ्लैट नहीं करना, उसका उसका अलग करना, ज्वाइन करना, इसे सीम नहीं करना ये लोग। देखो उसका फ्लैट होना चाहिए, ओके देन हम लोग ओवरलॉक करेगा ये फ्लैट नहीं होगा, ये वाला सीम आ जाएगा। इट्स नॉट विजिबल, देखो ये विजिबल नहीं हो रहा है, देखो हैमरिंग करेगा हम लोग उसके लिए, ये लोग ओवरलॉक प्रयोग नहीं करते हैं, बोला फ्लैट होना चाहिए उसका, ओके वेट नेक्स्ट नीडल फीट, जो नीडल फीट क्या बताना चाहिए ना, तो नीडल फीट के लिए ये वाला लिंक है, वीडियो है नीडल फीट, हाय मैम, यस सर, दिस इज रॉबी फ्रॉम निमी ओनली, ओके 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 ओके, दिस लेक्चर, सो बेसिकली मैम आई गेस वी आर क्लोजिंग, 5 मिनट्स प्लीज एक्सटेंड फॉर मी, 5 मिनट्स एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड इन 11:15 ओनली, सो मैम आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जस्ट रैप इट अप इन 5 to 10 minutes, ओके ओके आई डू, आई विल डू, बट आफ्टर दिस वीडियो आई विल क्लोज इट आउट, बट श्योर मैम, ओके ये नीडल फिट, देखो ये वाला नीडल मूव हो रहा है, पता पता चल रहा है आप लोग का, देखो ये नीडल मूव हो रहा है, अभी भी आप लोग देख लिया ऐसा नीडल मूव हो रहा है, ये नीडल फीड इन नीडल एंड प्रेशर फुट नीचे दोनों मूव हो जाएगा वही है, ओके वो वाला क्लोज कर रहा हूँ, वो वाला पता चलेगा कैसे, पूरा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है उसके लिए वीडियो लोडिंग में दिक्कत हो रहा है,
वन इज ये रोलर रोलर फीड। देखिए रोलर फीड नीचे वो लोग प्रेस कर, इधर भी छोटा सा और एक रोलर होगा। देखो इतना मोटा कपड़ा प्रयोग करता है। देखो ये वाला नीडल भी नीडल फीड है, मुझे लग रहा है ये वाला यूनिसन फीड है। हाँ रोलर, देखो रोलर फीड फीड के लिए। ये वाला यूनिसन देखो, देखो इसी में देखिए ये नीडल है, इनसाइड प्रेशर फुट वाला क्या फीड फीडिंग है ना, फीडिंग फिट है या होल्डिंग फिट है। देखो ये वाला एंड नीडल दोनों सेम मोशन में जा रहे हैं या अलग मोशन में जा रहे हैं। सी अभी क्लियर है क्या फीड मैकेनिज्म है? यूनिसन है ये वाला, यूनिसन है। एंड वॉकिंग फुट भी बोल सकता है इसको। ओके लास्ट वन इज व्हील। व्हील फील है ना, व्हील फील। देखो ऐसा व्हील फील है, ऐसा शूज ये पोस्ट पेड स्टिचिंग हो रहा है फील। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके आपका डाउट्स है इस चैट बॉक्स में शेयर कर दो। ओके क्या क्या डाउट्स है? ओके थैंक यू सो मच। अब आप लोगों का मिल जाएगा सब नोट्स। ओके।